नमस्ते सभी को। नमस्ते गणेश सर, नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते नमस्ते यशवंत जी। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को जी। ठीक है यशवंत जी, ये बताइए, हमारे लिए दो पॉसिबिलिटी है। एक तो मैं कुछ कंटेंट को वो करूं, खास करके जो सम अप स्लाइड है उस पर बात करूं, और दूसरा ये है कि मैं कुछ प्रश्न ले लूं। जी भैया, इंग्लिश आप लोग की राय है वैसा हम लोग कर सकते हैं। हमारी तरफ से सबका स्वागत है। हाँ ठीक है ना। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते गणेश नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। सर मैं वेट कर रहा था बाकी घंटे से कि आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। रीजन है, इंटरेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं कि उस पे काम शुरू नहीं हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। यकीन करिए, मैं तो लगा रहा हूँ, जी जान लगा रहा हूँ, लेकिन उतर रही नहीं है दिमाग से कि इसको शुरू करना है। तो आप थोड़ा दिमाग से हटा के उसको काम में लगाने की बात अगर प्रेरणादायक या कुछ भी बोलो, क्योंकि सब कुछ तो बोल ही रहे हैं लेकिन वो दिल मान रहा नहीं, लेकिन उसको कैसे मनाए। मेरे को खुद का ही दिल है लेकिन मान रहा नहीं है, तो थोड़ा बेचैनी में जा रहा हूँ। डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप सभी की एक एक प्रेरणादायक माहौल बना है जिससे कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दिल नहीं मान रहा है कि इस पे शुरू हो जाऊं। जी जी जी। तो पहले तो आपको हमको ये बताना पड़ेगा कि आपका दिल का मतलब क्या है। सर, माइंड माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग द शिफ्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन दिस एक्सरसाइजेस और वर्किंग टुवर्ड्स दिस एक्शंस व्हिच हैव बीन सजेस्टेड और वर्किंग ऑन दिस to imbibe into that, because this is not there everywhere in front of me wherein I have to follow this as a 1, 2, 3, 4 steps. So the problem here, what I'm facing is the spur of the moment, I'm acting on it. I'm not contemplating or I'm not being aware. I'm not being judgmental about, I'm judgmental about what I'm trying to talk. So the challenge here is, in spite of knowing all these things, how does the shift come in from where I have to start and how it has to go? वो शिफ्ट नहीं नजर आ रही है। तो दैट इज द माइंड प्रॉब्लम व्हिच आई एम फेसिंग। अगर वो थोड़ा शिफ्ट, अगर क्या बोलते हैं, द ट्रिगर जो इग्नाइट करता है वही ट्रिगर। एक चीज तो जी, अभी इसलिए मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे आपके उस पर। तो मैंने पूछा कि दिल का क्या मतलब है, आपने बताया माइंड, ठीक है ना। तो मैं उसको बहुत ब्रॉडली लेता हूँ, मैं उसको सेल्फ ही कहता हूँ इस बार, क्योंकि फिर अगला प्रश्न ये बनेगा कि माइंड क्या है, है ना, उसको समझना है। और या मैं उसको सेल्फ इन जनरल ले लेता हूँ, तो ये जो सेल्फ है उसकी स्थिति क्या है, अभी वो ठीक चल रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है, मूल्यांकन जरूरी है। वो कभी कभी ऊपर उठ के आ जाता है, जो प्री कंडीशनिंग और जो सेंसेशंस उसी में अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, नेचुरल एक्सेप्टेंस में नहीं जाता। जो आप देखने की बात बोलते थे, मैं वहां पे भी था, तो मैं डिटेल पे अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो सेल्फ है, ये जो माइंड है आपका, ये सुखी है कि दुखी है? सुखी तो है, निरंतर होना चाह रहा है बस। वही तो जो चाह रहे हैं वो नहीं है, ये प्रॉब्लम है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, इतनी सी बात। अगर ठीक ठाक है पहले से तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों अपन एक्सरसाइज 1 और 2 करें? कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी हैं, हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, हम निरंतर सुखी हैं। अगर ऐसा है तो कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत ही क्या है? सर अब किसी से बात करते हैं तो आ जाती है ना सर, अंदर की जो भी भावनाएं हैं वो पूरे उभर के आ जाती हैं और हम बताना शुरू कर देते हैं या सुनाना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को काबू में रखने की बात कर रहे हैं बेसिक। नहीं नहीं, देखिए पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि हम जैसे अभी हम हैं वैसे हमारी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, हम निरंतर सुखी नहीं है।
अकेले में सुखी है सर, लेकिन जो जो समाज में रहने की बात आती है, दूसरों से बात करने की बात आती है, तब जाके ये भिड़ता है। अकेले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा माने हम, ऐसा नहीं है जगदीश जी, उसको देखिए। हालांकि अगर आप परस्परता में ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, और क्या, अपने में भी ठीक होना है, परस्परता में भी ठीक होना है। परस्परता को क्या करेंगे, सबको खत्म थोड़ी कर देंगे, वही तो है सर पुराना, क्या करेंगे। इसीलिए नहीं मान रहा। तो ऐसा थोड़ी है, होना होना का भाग है परस्परता भी। और हमारी हालत ठीक नहीं है ये बात आपको अभी तक ध्यान में नहीं आ रही है, इसलिए अपने पर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या करना, हम तो ठीक ही है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं मानता दिल, वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या करना अपने को, हम तो ठीक ही है। प्रॉब्लम बाहर के कारण है, इसलिए बाहर को ठीक होना है। तो बाहर के लोग एक्सरसाइज करें 1-2, है कि नहीं? नहीं वैसे बात आपको थोड़ी करना है। नहीं वैसी तो बात नहीं है, बेसिक आपका इवेल्युएशन में ही प्रॉब्लम है। आपका जो इवेल्युएशन है उसी में प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से आप तो ठीक ही हैं। प्रॉब्लम दूसरे की है तो दूसरे को एक्सरसाइज 1-2 करना चाहिए, हमको क्यों करना चाहिए। तो आप अपनी जगह पर ठीक हैं, और क्या सर, ऐसे ही मान के छोड़ थोड़ी ना देंगे किसी को। मतलब अगर बच्चे हैं या फैमिली वाले हैं तो उनको भी समझाना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वैसे हरकतों से अगर वो नहीं सही है उसको भी समझाने की एक जिम्मेदारी बनती है ना सर, उसके दायरों से बात कर रहा हूँ। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपने अपने पर काम नहीं किया है और आप नहीं समझे हैं और आपने कुछ भी गलत सलत मान लिया है, तो आप दूसरों को समझाने जाएंगे तो कोई ना सुनने वाला आपकी बात। जी आप खुद अपने में देखे हैं, समझे हैं, उसको जिए हैं, आपकी जिंदगी बेटर हुई है खुद में, तब आप दूसरे को समझाने जाएंगे तो सुनेंगे, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी को बेटर करना चाहते हैं और उनको ये होप लगेगा कि आप कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उसको। सिर्फ बता देने से, सुन रहे हैं, हाँ बता देने से क्या हो जाता है कि आप सुखी होना इन चाहते हैं, बातों को सुन रहे हैं। हाँ सर, नहीं नहीं जी, बता देने से क्या हो जाता है कि आपको सुखी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, नहीं मेरे को तो सुखी होना चाहिए, इससे शुरू कर दो। मतलब ऐसी, मतलब ये सो ख्याली पुलाव के जैसा है। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड एनीथिंग हियर, बट आई एम फेसिंग ए चैलेंज, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं जब अकेले हूँ, यू आर नॉट फेसिंग ए चैलेंज, आपके पास तो ऑलरेडी सोल्यूशन है। आप उसके एक्ट नहीं कर रहे, आप दूसरों के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि आपके पास तो सोल्यूशन है ही नहीं, मैं एक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। सोल्यूशन तो आप ही ने दिया हुआ है। समझाने जाते हैं नहीं, जो आप दूसरों को समझाने जाते हैं वो भी यही मान्यता में फंस जाता है कि उसको भी पता है। आप खुद एक्सप्लोर करने को तैयार नहीं है, दूसरे को एक्सप्लोर करने के लिए कैसे तैयार कर पाएंगे। उसका वजूद कैसे दिखता है सर? मान लीजिए मैं तैयार हो गया, उसका वजूद कैसा दिखता है? मैं हो गया, मान लो मैं तैयार हो गया, अभी कुछ भी करना है करने के तैयार हूँ, उसका वजूद क्या दिखेगा? मतलब होने के बाद क्या दिखेगा? मेरा क्वेश्चन ही तो दिखेंगे ना सर, ज्यादा से ज्यादा मेरे क्वेश्चन ही दिखेंगे, और क्या दिखेगा? हमसे किस चीज चर्चा रहे सर? मान लिया बोलने से कुछ आवश्यकता नहीं दिख रही है आपने, इसकी आवश्यकता नहीं दिख रही है, आप नहीं कर रहे हैं, इतनी सिंपल बात है। नहीं सर, नहीं सर, है आवश्यकता है, जाना है, जरूरी है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम जब आपको लग रहा है आवश्यकता है दूसरे के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो जब दूसरा, जब मैं बताने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, वो अक्षमता की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को तो कह रहा हूँ, आप बिना समझे समझाना चाहते हैं, बिना उसको जिए दूसरे को जीने में प्रवृत्त करना चाहते हैं, ये होता नहीं है, ये अस्तित्व का रूल नहीं है, नियम नहीं है। आप ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल करें, ये स्वतंत्रता है अस्तित्व, ये स्वतंत्रता आपके लिए बनी हुई है हमेशा।
ठीक है सर, कोशिश करूंगा। हम लोग की तरफ से बिल्कुल आग्रह नहीं है कि आप इसको करें ही। नहीं, करने की जी जोड़ कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ फिर से, लेकिन वही तो आपको आवश्यकता लगेगी तो आप कर पाएंगे, अभी आपको आवश्यकता ही नहीं लगी है इसलिए आप कर नहीं रहे। सर आवश्यकता अलग बात है और समझना दूसरी बात। अब मैं भूखा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी खा लूंगा, आवश्यकता है भूख की, लेकिन क्या खाना है उसकी भी मायने है और वो कहाँ पे खाना है उसके भी मायने। तो देखिए ये तो आपका अधिकारी है, इस पर तो हम लोग हर बार ऑनर करते हैं कि आपको अपने अधिकार पे जांचना है, देखना है, स्वीकारना है, वो अधिकार तो आपका हमेशा बना ही हुआ है, उसको हम लोग ऑनर करते ही रहते हैं और उस वैसे ही हम भी ऑनर कर रहे हैं सर आपका, वैसे ही हम भी ऑनर कर रहे हैं आपका और आपका जो मेहनत है, क्योंकि मैं पर्सनली भी देख चुका हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब वो पॉइंट ऑफ ट्रूथ आती है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ आती है, जब उसको बाहर निकालना है, वहां जाके फंस जाती है। मतलब एक साल तो पढ़ लियो, एग्जाम जाने की टाइम आ गई, अब मैं एग्जाम ही नहीं जाऊंगा तो लिखूंगा क्या? तो वो जो मोमेंट ऑफ ट्रूथ होती है उसमें अभी देखिए कोई और कुछ नहीं कर सकता, आपको ही तय करना पड़ेगा, इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, कोशिश करें। थैंक यू। ये जजमेंट आपका ही है और आप ही को करना पड़ेगा, और ये आपके अधिकार को हम कैसे वो कर सकते हैं। ठीक है सर, कोशिश करें। थैंक यू सर। जी जी नमस्ते। हाँ सर जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर, बहुत खुशी लगता है सर आज आप जी। तो वही मैंने मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा आपसे सुनना था सर जी, कि मूल्यांकन को कैसे कैसे देखें, कैसे ढंग से उसको समझें, मूल्यांकन के बारे में आपके तरफ से कैसे रिस्पॉन्स करेंगे जी। ठीक है, मूल्यांकन का ठीक ठीक मतलब देखेंगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इकाई का मूल्य क्या है इसको समझना, और फिर इस बात का आकलन करना कि वो इकाई उस अर्थ में है ना भागीदारी कर रही है कि नहीं। तो दो पार्ट हुआ, एक तो एक किसी भी इकाई का मूल्य क्या है, मूल्य का मतलब उसकी भागीदारी क्या है, संबंध में व्यवस्था में उसकी क्या भागीदारी है, वही उसका मूल्य है। तो उस इकाई की भागीदारी क्या है उसका है ना संबंध में और व्यवस्था में, इसको समझना, ये मूल्य को समझना है, और फिर उस अर्थ में उसकी भागीदारी हो रही है कि नहीं इसका आकलन करना, ये मूल्यांकन है। ये ठीक हुआ जी? जी, तो ये व्यवस्था में भागीदारी और जो व्यवस्था कह रहे हैं ये। अभी एक मिनट, एक उदाहरण देता हूँ फिर आता हूँ आपके प्रश्न पे। जी जी जी, उदाहरण के लिए जैसे अभी हम देखते हैं कि मनुष्य को संबंध में क्या भागीदारी बनती है, सम्मान के भाव से जीना या विरोध के भाव से जीना। क्या लगता है? सम्मान के भाव से जीना। सम्मान के भाव से जीना मतलब सम्मान के भाव से या अपमान के भाव से जीना, है ना? हाँ हाँ, तो सम्मान के भाव से जीना, यही हमारा भागीदारी है संबंध में। बिल्कुल, तो सम्मान का भाव ही हमारा मूल्य है। ठीक। अपमान के भाव से जीना ये हमारा मूल्य नहीं है। जी सर। तो जब कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है दूसरे व्यक्ति से और मैं उसका मूल्यांकन करने जाऊंगा, तो पहले तो मैं इस बात का आकलन करूंगा कि सम्मान के भाव से जीना ये मूल्य है। ठीक है ना? ठीक, ठीक। फिर ये आकलन करूंगा कि ये व्यक्ति सम्मान के भाव से जी रहा है कि नहीं जी रहा। हाँ। तो अगर कोई व्यक्ति सम्मान के भाव से जी रहा है ऐसा आकलन में दिखाई पड़ा, तो मैं ये कहूंगा कि ये व्यक्ति समझदार है, समझदारी के साथ इसका भाव ठीक है, मूल्य ठीक है, अपने मूल्य के साथ ही जी रहा है। जी। अगर वो अपमान के भाव से प्रस्तुत हो रहा है तो मैं इस बात का आकलन कर कि भाई अपमान के भाव से जी रहा है, और इससे निष्कर्ष ये निकालूंगा कि ये व्यक्ति समझदार नहीं है, है ना, इस अपने मूल्य के साथ ये नहीं जी रहा है।
ठीक है कि नहीं? ये मूल्यांकन हुआ जी। ऐसा ही हर इकाई के संदर्भ में हम इस बात का आकलन करेंगे कि उस इकाई का मूल्य क्या है, पहले इसको समझेंगे बढ़िया, और फिर स्वीकृति के साथ में जी रहा है कि नहीं इसका आकलन करेंगे, दोनों के योगफल में मूल्यांकन होगा। उसके 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 योगफल में क्या होगा सर? मूल्यांकन होगा, मूल्य को समझना और मूल्य के साथ वो जी रहा है कि नहीं परस्परता में, इसका आकलन करना, ये दोनों मिला के मूल्यांकन। ठीक, तो जी तो इसको इसको जो कह रहे हैं जैसे व्यवस्था कह रहे हैं और व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, ये तो व्यवस्था को देखने को ही मैंने मूल्य और उसकी भागीदारी को देख पाता हूँ, तो ये उसका मूल्य उसका उसका आकलन, तो ये दोनों को दोनों को व्यवस्था को देखना, व्यवस्था में भागीदारी को देखना जी, उससे मूल्य समझ में आएगा। हाँ, मूल्य समझ में आ गया तो अब इस बात का आकलन करेंगे कि ये जो इकाई है वो उस मूल्य के साथ जी रही है कि नहीं जी रही। ठीक बात जी, उसके साथ भागीदारी कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर कर रही है ना जी, ठीक कर रही है। अगर नहीं कर रही है, अपने मूल्य के साथ नहीं जी रही है, तो गड़बड़ है जी। तो अभी कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, हाँ, तो हम ये मूल्यांकन करते हैं कि ये आदमी गड़बड़ है, है ना? हाँ जी। और हम उसके प्रति प्रतिरोध उसमें आ जाते हैं, है ना, विरोध रिएक्शन में आ जाते हैं जी। हम ये बात नहीं देखते कि ये जो रिएक्शन में हम आए ये हमारा मूल्य नहीं है। बढ़िया बढ़िया, तो दूसरे का तो आकलन कर लिए उसके मूल्य के, अपना आकलन किए नहीं अपने मूल्य के आधार। हाँ जी जी, तो अब हम दोनों को देखेंगे, दूसरे को भी देखेंगे, अपने को भी देखेंगे। ठीक बात, जब दूसरा कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम देखेंगे कि इसके अंदर अपमान का भाव है और मेरे प्रति अपमान का भाव व्यक्त कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो इसकी हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम अपने को देखेंगे कि हम अपने में उसके प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं कि हमारे में भी अपमान का भाव आ गया। हाँ, तो अगर हमारे में भी अपमान का भाव आ गया मतलब हमारा मामला बिगड़ गया जी, हमारे ये वाला भाग मूल्यांकन हम कर नहीं पाते। ठीक ठीक ठीक, फिर और थोड़ा आगे जाएंगे तो ये हम करेंगे कि दूसरे का मूल्यांकन करें ना करें अपना मूल्यांकन हर क्षण करते रहेंगे। हाँ जी, तो अपना जो है शुद्धिकरण होता रहेगा, प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, परिमार्जन होता रहेगा जी सर। लेकिन तो असली मामला तो अपना मूल्यांकन करने का है। बढ़िया बढ़िया, अपने मूल्य को पहचान ले, जो सहज शिकार है वही मूल्य है। बहुत बढ़िया, उसको अपने में सुनिश्चित कर ले, अपन सुखी हो जाए, सुख बांटेंगे और क्या। तो ये जो एक्सरसाइज वन कर रहे थे ना जी, वो सब मूल्यांकन का ही मुद्दा है जी जी जी, और स्व मूल्यांकन का मुद्दा है। हाँ हाँ जी सर जी, हाँ ठीक सर, समझ में आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, प्रणाम जी, जी प्रणाम प्रणाम जी, धन्यवाद भैया जी। दीदी आप, नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आवाज आ रही है। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते गणेश भैया। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं, इनफैक्ट मैं कुमार भैया को भी बहुत फॉलो करती हूँ, उनके भी वीडियोस बहुत, बिकॉज मुझे लाइक एक स्पष्टता नजर आती है। तो मेरा बस दो प्रश्न है भैया। पहला ये है कि हम कहते हैं कि सेल्फ इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई मीन सॉरी वी आर अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो जैसे बॉडी दैट मींस इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, सो वी आर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा इसका मतलब बॉडी इनर्ट है। तो इफ बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज इनर्ट, तो वाई डू वी फील, हमको कोई हमको बुरा क्यों लगता है कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कहा या जैसे, तो वो हमको हर्ट क्यों करती है। और दूसरा प्रश्न ये है
कि हम तो बहुत लाइक जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स हम कर रहे हैं का शुरुआत तो मैं अगर ऑनेस्टली अपने बारे में कहूँ तो मैं शुरू में जस्ट एक कंपल्शन की वजह से करी थी, बट ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ और वो इंटरेस्ट मुझे खुशी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स में और टू सम एक्सटेंट घर वालों में भी वो ला पाई। पर मेरा ये कहना है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बहुत इन्वॉल्व्ड हैं इस प्रक्रिया में, पर फिर भी जब उनको पर्सनल लेवल पे बिहेवियर की बात आती है वो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब हम ये वैल्यूज को हम डेली हम इस पर अभ्यास कर रहे हैं, हम इसके बारे में सुन रहे हैं, हम और कोशिश हमारी यही है कि हम किस तरह से इसको अपने साथ कर लें, तो ये तो कोई पैरामीटर हम सेट नहीं कर सकते कि दिस इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस दैट वन इज इक्विप्ड विद वैल्यू सिस्टम, बिकॉज ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्टिल आई फाइंड पीपल जो बहुत इन्वॉल्व है जो कि मे बी इन द कलीग्स और अराउंड, बट उनका बिहेवियर में वो बिल्कुल नजर नहीं आता है जब दे बिकम वेरी विंडिक्टिव एट सर्टन टाइम्स। तो मुझे ये जानना था भैया कि लाइक व्हाई इज इट, और मेरा पहला प्रश्न जो है कि माइंड इज आई मीन बॉडी इज इनर्ट, देन व्हाई डू वी फील, हमको बुरा क्यों लगता है। धन्यवाद भैया। जी 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 नमस्ते। देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो इनर्ट है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जी सेल्फ is composed of activities, the body is also composed of activities, difference ये है कि self में जो consciousness activity है उसमें knowing and assuming का काम होता है, उसके साथ recognizing and fulfilling का काम होता है। तो self में जानने मानने का और उसके साथ पहचानने निर्वाह करने का काम होता है, शरीर में सिर्फ पहचानना निर्वाह करने का काम होता है। तो दोनों ही एक्टिविटी तो है, सेल्फ भी और बॉडी भी दोनों ही एक्टिव है, लेकिन सेल्फ में जानने मानने का काम हो रहा है, बॉडी में जानने मानने वाला काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पहचानना निर्वाह करने वाला काम हो रहा है। तो इसलिए पहचानना निर्वाह करना तो होता ही है बॉडी के लेवल पर। तो जैसे बाहर अगर गर्मी है वातावरण में तो वो गर्मी का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है, इतना पहचानना निर्वाह करना हो ही रहा है, उस प्रभाव पड़ता है ना, तो पसीना निकलता है शरीर में, तो ये एक्टिविटी तो शरीर में हो ही रही है। अब हमारा जो है सेल्फ पर अगर आएंगे तो सेल्फ का ये मानना अगर बन गया है कि पसीना निकलना ठीक नहीं है शरीर का, है ना, तो पसीना निकलने सेल्फ जो है वो परेशान होगा, ठीक है जी। तो जब आपको थोड़ी गर्मी लगते हैं, आपका मतलब शरीर में गर्मी लगती है, शरीर में पसीना निकलता है, उससे सेल परेशान हो जाता है क्योंकि उसने मान रखा है कि पसीना नहीं निकलना चाहिए। तो उसका पहचानना निर्वाह करना मानना पे निर्भर है। वही सेल्फ जो अभी वातावरण के प्रभाव से गर्मी से पसीना निकलने को खराब मान रहा था, उसी को जब डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई आपके जो है स्किन में जो डिजीज है उसका कारण यह है कि आपका पसीना नहीं निकल रहा है, ठीक है ना जी, तो जी, आपको जाकर जो है स्टीम बाथ लेना पड़ेगा। तो वही व्यक्ति जाकर पैसा देता है और स्टीम बाथ लेता है और खुश होता है कि नहीं जी, जी अभी क्या जी, हो गया जी, मानना बदल गया, ठीक है ना। अब उसको लग रहा है कि भाई डॉक्टर ने बताया कि अगर स्किन डिजीज को ठीक करना है तो स्टीम बाथ लेना जरूरी है, तो जितने टेम्परेचर में वो बहुत परेशान होता था पहले, उससे अधिक टेम्परेचर में जाकर वो बैठा रहता है और ऊपर से पैसा भी देता है, ठीक है कि नहीं। ये जो है ये सेल्फ में हो रहा है, ये बॉडी में नहीं होता। ये जो पहचानना निर्वाह करना है वो मानना के आधार पर बदल जाए, ये बॉडी के लेवल पर नहीं होता, ये सेल्फ के लेवल पर ही होता है, ये कह रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं है, इनर्ट है वो, इतना ही कह रहे हैं कि उसमें एक तरह की एक्टिविटी हो रही है बॉडी में और सेल्फ में दूसरी तरह की एक्टिविटी हो रही है,
पहचानना निर्वाह करना दोनों में हो रहा है, जानना मानना सिर्फ सेल्फ में हो रहा है, और मानना का प्रभाव पहचानना निर्वाह करने में जो पढ़ना है ये सिर्फ सेल्फ में हो रहा है। जी जी जी। बॉडी को तो आप जो कहते हैं वो करता है, आप कहते हैं एयर कंडीशन में बैठो तो एयर कंडीशन में बैठा रहता है, स्टीम बाथ में बैठो तो स्टीम बाथ में बैठ जाता है। प्रॉब्लम आपको होती रहती है, आपका मानना एक तरह का है तो उससे प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी मानना बदल जाए तो उसी कंडीशन को आप ठीक मानने लगते हैं, मानने लगते हैं ठीक तो पहचाना निर्वाह करते हैं, उसी गर्मी को आप बचने की कोशिश कर रहे थे, उसी गर्मी के लिए आप पेमेंट करने को तैयार हैं। जी जी जी, आया समझ में? जी जी भैया, बहुत सही है भैया। तो ये लाइक जैसे है ना कि मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं बॉडी को एंड बॉडी उस हिसाब से लाइक अपने आप को लाइक एकोमोडेट करता है। प्रॉब्लम आपको ही होती रहती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो सही है। बॉडी को जिधर बिठा दीजिए बैठ जाता है जी, बस जी, आपको सूचना भी मिलती रहती है, वो भी तब जब आप पढ़ते हैं तो सूचना मिलती है। जी 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 भैया, सही है सही है। आपका दूसरा प्रश्न है ना? हाँ जी। उसमें क्या है कि दूसरे के व्यवहार में बदलाव नहीं हो रहा है, इसको समझने के लिए अपने स्टडी करना ठीक है जी, कि अपने में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हो रहा है, दोनों ही बात है। उस प्रोसेस को ठीक से समझ लेंगे तो दूसरे के लिए भी समझ में आ जाएगा। तो अपने को जब समझने जाएंगे तो ये पता लगता है कि ये जो हमारा अभी तक का मान्यता है, संस्कार है, उसी के आधार पर हमारा भाव विचार तय होता है जी। उसी के आधार पर हम परस्पर में व्यक्त होते हैं। जो हम लोग स्टेप एक्सरसाइज दो के स्टेप 5 और 6 में बहुत डिटेल बात की है जी। जब भी हम बाहर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारा संस्कार बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है उसमें जी जी। जो बाहर से सूचना आ रही है उसको अर्थ देने में, ठीक है ना, उसके आधार पर अपने भाव को बनाने बिगाड़ने में, उसके आधार पर जिम्मेदारी पूर्वक जीने या प्रतिक्रिया करने, है ना, में जी जी। बाहर क्या व्यक्त होना है, इसमें सब जगह हमारा संस्कार काम कर रहा है। तो अगर हमारा संस्कार सही होगा तो हम सही व्यवहार करेंगे, अगर हमारे संस्कार में कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है, तो हम गड़बड़ व्यवहार करेंगे। यही हो रहा है, हमारे साथ भी यही होता है, दूसरे के साथ भी यही हो रहा है जी। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। पर मेरा कहना ये था कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं, लाइक आप लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक तो लाइक चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम भी वो प्रक्रिया में जुड़े हैं सम वे और द अदर। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर हम ऑलरेडी इसमें जुड़कर भी अपने आप को एलियनेट कर देते हैं, हम उसको अपने बिहेवियर, लाइक मैं अपने बिहेवियर में उसको मैं नहीं लाती हूँ, तो how it is to be like how this is issue is to be dealt with, because there are people jo bahut involved hain and they are into like you know they work a lot into it, and I also feel that their sincere efforts are there. I will not say that is not there, but once it comes to their behavior patterns in reality, once it's so it becomes very vindictive sort of a thing. They don't like, there are many other things which is associated, which I feel bad, not because that they are into it and it is something like that, but I feel that if we are doing something wholeheartedly and we are not implementing, so how is that we can justify it, because we don't have any parameters to evaluate, because this is a ongoing process, but we have been exponents of this. तो यही मेरा है कि लाइक हाउ टू यू नो एड्रेस दिस इश्यू, जब लोग इसको फॉलो तो करते हैं बट रियलिटी में उसको नहीं करते। वही कह रहा, देखिए इसका मतलब ये है कि उनका संस्कार अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वो अपने संस्कार पर बहुत तीव्रता से काम नहीं कर पा रहे हैं, और उनका संस्कार जो है वो तो विंडिक्टिव होने का है,
मतलब कहीं ना कहीं उनके देखने में ये है कि दूसरों को विरोधी के रूप में देखते हैं, वो जो खास संबंध व्यवस्था अस्तित्व तो है ऐसा देखने के बदले वो विरोध है, अव्यवस्था है, संघर्ष है, ऐसा उन्होंने कहीं मान रखा है जो उनके संस्कार में है। तो जब भी वो बाहर की किसी परिस्थिति के कारण वो संस्कार एक्टिव हो जाता है तो वो विरोध का भाव अपने में ले आते हैं। जी भैया बहुत सही है। जी भैया एक्चुअली ये चीजें बहुत बुरा लग रहा था कि जब इतना हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसको हम क्यों नहीं ला पा रहे, बट ठीक है आपने जो बोला बिल्कुल सही है भैया। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और ग्रेटफुल टू यू भैया कि आपसे एंड आई फील कि हम्बल कि आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाई। तो ग्रेजुअली जब भी कभी मुझे मौका मिले तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं मेरी आपसे मुलाकात भी हो। सभी गुरुजन जो है मैं उनको गुरु ही मानती हूँ क्योंकि जो इस यूएचवी का मैंने हम लोग को बता रहे हैं वैल्यू का सार सारा, तो डेफिनेटली वो कुछ वो लोग गुरु ही हैं, चाहे वो शर्मिला दीदी हो, चाहे वंचना दीदी हो, चाहे आप हो या कुमार भैया हो, सारे गुरुजन को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू भैया, नमस्ते, नमस्ते टू ऑल। अल्टीमेटली तो देखिए जो हमारे अंदर ये जो प्योर ऑब्जर्वर है ना जी वही गुरु है, हाँ उसको जगाने का काम तो हम सब लोग जो कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं कि हमारे अंदर का जो प्योर ऑब्जर्वर है वो जग जाए, हाँ और वही हमारा गाइड बन जाए, वही हमारा गुरु बन जाए, तो हमेशा तैयार मिलेगा हमको ये हमारा गुरु। जी आप तो मार्गदर्शन तो आप ही का एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम आप लोग हो। और ये जो संस्कार के मामले है ना जी, इस पर लंबे समय तक काम करना ही पड़ता है। बहुत सारे संस्कार ऐसे होते हैं जिसका हमको पता ही नहीं चलता, तो हमारे में बने रहते हैं और हम उसके हिसाब से एक्टिव हो जाते हैं बाहर बीच बीच में, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर। तो अपने जी, को जी। अपने प्रति भी बहुत उदार होना पड़ेगा और दूसरों के प्रति भी बहुत उदार होना पड़ेगा जी। ये संस्कारों का मामला बहुत पुराना है, बहुत लंबा है, इतने हजारों सारी यात्राओं में क्या क्या इकट्ठा किया हमने, है ना, सबका मूल्यांकन होना है, उसका सबका परिमार्जन होना है, समय तो लगेगा ही। जी जी अपने प्रति भी उदार हों और दूसरे के प्रति भी उदार हों, ये उदारता होगी तो हम अपने में भी ठीक से काम कर पाएंगे और दूसरे को भी ठीक से सहयोग कर पाएंगे। जी 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 भैया धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। वैसे तभी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर लगभग मिल गया है। मेरा प्रश्न यह था कि मैं भी इस कोर्स का जो कंटेंट है उसको फॉलो कर रही हूँ, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं यह देख पा रही हूँ कि मेरा भाव कभी कभी बिगड़ जाता है, खासकर तब जब मुझे दिखता है कि लॉजिकल सीक्वेंस में सामने वाले का व्यवहार या सामने वाले के कथन मुझे गलत, अगर एक लॉजिकल अप्रोच से मुझे उनका गलत दिखता है, तब अगर मैं उनके ऊपर आउटबर्स्ट नहीं भी कर पा रही हूँ, उनके साथ व्यवहार करते हुए मैं सही से निकल गई, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ मेरे अंदर से वो चीज मतलब निकल जाती है कि पता नहीं लोगों को कियोस्क करने का ऐसा इतना शौक क्यों होता है। मतलब मैं उन पर नहीं चिल्ला रही हूँ बट मैं कहीं और जाके भी मेरे अंदर से ऐसी बातें आ रही हैं। ठीक है मैं उस वहां पर ठीक उनका लॉजिकल में वो कहीं गलत थे, कॉम्पिटेंस लेवल तो कम या ज्यादा किसी का भी हो सकता है, कभी मैं भी कॉम्पिटेंस लेवल में कम पढ़ सकती हूँ, बट मेरे अंदर की जो भाव बिगड़ते हैं और मैं अपना मतलब मेरा भाव बिगड़ जाता है ना, मैं अगर इस प्रकार का रिएक्शन दे रही हूँ तो इंटरनल आंतरिक व्यवस्था मेरी बिगड़ रही है, मैं इसको कैसे रोकूं भैया। हेलो जी, देखिए हमारी जो व्यवस्था बिगड़ रही है ना उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारे में विरोध का भाव आ रहा है। जी 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 वो तो मैं समझ रही हूँ। हाँ तो उसका मूल्यांकन तो हमको ध्यान तो उस पर देना पड़ेगा और उसका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि हमारे में विरोध का भाव आया इसलिए हमारी व्यवस्था बिगड़ी,
ठीक है ना। अब हमको इसको बिगाड़ना है कि नहीं बिगाड़ना है, अपने भाव को सही करना है नहीं करना है? हाँ जी भैया बिल्कुल करना है सही, बट वो विरोध का भाव तब आया था जैसे कल ही की एक घटना है जिसमें कि टाइम टेबल में कुछ, मेरे टाइम टेबल में कुछ प्रॉब्लम थी एज पर कोर्स स्ट्रक्चर वो नहीं था। जब मैंने टाइम टेबल अपने कोऑर्डिनेटर को बताया तो उन्होंने कहा, मैंने 2018 वाले को देख कर किया, मैंने कहा भाई उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो ये वेबसाइट पे कहा है, तो वेबसाइट पे मुझे नहीं दिखा इसलिए मैंने ऐसा किया है। एंड वेबसाइट पे मैं गई तो मुझे 2021 का भी वो मुझे दिख गया, मैंने कहा ठीक है आप इसको देखिए उसके बाद मतलब कर लीजिएगा। तो उनको तो मैं 2021 बस ओपन मतलब फाइल ओपन करके नहीं दिखा, बट मैंने दिखा कि 2018 को देख के आपने बनाया बट 2021 भी वेबसाइट पर मौजूद है बोल के मैं निकल गई। बट उसके बाद का जो मेरा रिएक्शन था मैंने सर को नहीं दिया, बट जहां पे गई नेक्स्ट ऑफिस में वहां पे मेरे मुंह से वो निकल गई बात। तो बाकी मतलब क्या बोलूं, और ये अक्सर मेरे साथ होता है, मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसे भाव अगर मेरे अंदर है भी तो बाहर ना निकले, लेकिन जो चीज मेरे अंदर आ जाती है वो बाहर भी निकल जाता है। एक तो आप थोड़ा आराम आराम से करिए, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत टाइम है हम सब लोगों के पास, अस्तित्व में समय का अभाव नहीं है। तो एक तो आराम आराम से चलें, एक बात मैं ये कहूंगा, जब भी आपके एक्सप्रेशन से भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत हड़बड़ा जाती हैं। जी एक तो आराम में चलना अपने को, दूसरा हमारा फोकस क्या है, जब भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारा फोकस दूसरे पर रहता है, दूसरे के व्यवहार पर रहता है, हमारे ऊपर अपना फोकस नहीं रहता। तो अभी क्या करना है कि हमको अपने पर फोकस करना है, जब हम दूसरे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तब भी अपने पर फोकस करेंगे, जब दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं तब भी हम अपने पर फोकस करेंगे, ठीक है ना, अपने पर फोकस करेंगे तो ये देखेंगे कि बाहर जो हो रहा है उसको मैं कैसे देख रहा हूं और उससे मेरी क्या स्थिति बन रही है। उसको अगर हम देखते रहेंगे मूल्यांकन करते रहेंगे तो हमारी स्थिति नहीं बिगड़ेगी, हम तो आराम में रहेंगे, है ना। दूसरे को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी नहीं कर सकते उतनी योग्यता नहीं है तो कम से कम रिएक्ट नहीं करेंगे, जी जी, है ना। तो हम जो परेशान हो जाते हैं जो आपने कहा वो परेशान हम नहीं होंगे। अभी क्या है कि हम जब दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, अपने को नहीं देख रहे होते हैं, और उसमें हमारी स्थिति बिगड़ती जाती है क्योंकि हमारे में भी संस्कार है विरोध का, रिएक्शन का। तो जब दूसरे का व्यवहार ठीक नहीं है तो उससे हमारे अंदर जो जो विरोध आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, उसको हम नहीं देख पाते, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, उसका परिमार्जन नहीं कर पाते, हम उसे जी भैया स्वयं का ही मूल्यांकन करते रहना है, अपने आप को अपने भावों को पढ़ करके ही अपना व्यवहार में लाना है। ठीक है समझो, गलती कर रहा हूँ, हम सही करेंगे गलत करेंगे जी भैया, दूसरा कितना भी गलती कर रहा हो हाँ हाँ तो सही रखें या गलत करें। ओ जी 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 हाँ, दूसरा कितना भी गलत कर रहा हो मुझे खुद को सही ही रखना है तभी मेरी आंतरिक व्यवस्था बढ़िया बनी रहेगी। जी भैया समझ रही हूँ, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ पाया है अभी तक। ठीक भैया धीरे धीरे आएगा। हाँ भैया इतना ध्यान रख लेंगे कि हमको अपना भाव ठीक रखना है तो हम आराम में रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही मैं चाहती हूँ। जी जी हो गया जी भैया बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, आपके प्रति कृतज्ञता। मेरा एक एक कन्फर्मेशन सा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे अभी जितनी भी कुछ वास्तविकताएं हैं और कुछ मान्यताएं हैं तो अभी जैसे ये कंटेंट है मोटा मोटा
एक मान्यता रूप में ही आ रहा है, क्योंकि इसको मैं स्वयं अभी डायरेक्ट जैसे सेल्फ है या जीवन है, अब वो एक मान्यता के रूप में ही मेरे पास आ रहा है वो। अब उसको मैं जांच रहा हूँ और मैं उसको देखूंगा, तो एक स्थिति आएगी जब वो मुझे पूरी पूरी दिखेगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब तक मैं उसको पूरी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, तब तक मैं कैसे इंश्योर हूं कि यही मतलब वास्तविकता है, ये मान्यता नहीं है? या जैसे इस प्रोसेस में मेरी थोड़ी सी स्थिरता तो नहीं कहेंगे, मतलब मुझे थोड़ा आराम तो मिल ही रहा है, तो केवल इसी को मान के ही मैं चलूं कि ये ठीक है, ये मतलब ये रास्ता ठीक है, ये वास्तविकता ही है? मेरा प्रश्न स्पष्ट हुआ है? मैं फिर से पूछूं? हो गया। जी, आप हमको ये बताइए कि आपको जीवन की एक्टिविटी दिखती है कि नहीं, सेल्फ की एक्टिविटी दिखती है कि नहीं? नहीं दिखती है, बिल्कुल दिखती है। क्या मानने की बात है? जी, देख सकते हैं, है ना, उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, उसका परिमार्जन भी हो रहा है, तो इसमें मानने का कहां मामला है? तो सीधा सीधा देखने का है और करने का मामला है। तो मैं क्या फिर ऐसा मान के चलूं कि मैं सेल्फ को पूरा देख रहा हूं, इसमें ये कोई मान्यता नहीं है? ऐसा मान रहे हैं आप? ऐसा तो मैंने कहा नहीं। जी, कलिता देख रहे हैं उसका आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको कि हम देख रहे हैं, उस पर क्यों डाउट हो रहा है? पूरा नहीं देख पा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक्टिविटी तो देख पा रहे हैं, चल रहा है, उसको देख पा रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं, सहज है असहज है, जी, मूल्यांकन परिमार्जन हो रहा है, ये सब तो सीधा देखने की बात है, इसमें मानना कहाँ है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ क्रियाएं जो है वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख ही रही हैं। हाँ तो कहेंगे ना, आप तो ऐसा कहेंगे कि नहीं दिख रहा है, सब मान रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। जितना दिख रहा है उतना तो कहे। देखिए मुश्किल क्या है आपको बताऊं मैं, अभी कहीं ना कहीं हमारी ये मानना है कि कोई भी इकाई को देखने का मतलब उसका रूप देखना है, ठीक है ना, और हमको अभी रूप नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया जी। वास्तविकता यह है कि रूप एक भाग है किसी भी क्रिया का, गुण एक भाग है, स्वभाव एक भाग है, धर्म एक भाग है, परम धर्म एक भाग है, सबके बारे में बात किए ही हम लोग, है ना जी। तो अभी तो हम सीधा सीधा क्रिया को देख रहे हैं, जितना हमको दिख रहा है उतने को ही स्वीकार रहे हैं, अधिक की तो हम नहीं कर रहे हैं, तो दिख गया। और जितना दिख गया उतना तो स्वीकार है कि हाँ दिख गया। बिल्कुल बिल्कुल, उससे काम शुरू किया है, उसी से बहुत आराम मिल रहा है। 100% आराम तो मिल रहा है भैया, बिल्कुल आराम मिल रहा है, उसको एंजॉय करें, शंका करके हम उसको भी जो है उसके ऊपर भी पानी फेर दे रहे हैं। और शंका करने की युगों युगों से अपनी आदत भी तो है। हर चीज पे शंका। ये मूल्यांकन ठीक है कि हमको क्रियाएं दिख रही हैं, अभी रूप नहीं दिख रहा, ठीक है ना, रूप देखने का काम करेंगे, जितनी हमारी सूक्ष्मता है अभी देखने की, उससे हमारा को क्रिया दिख रही है, रूप नहीं दिख रहा है, हमने ध्यान भी नहीं दिया, हमने बहुत सूक्ष्म चीजों के रूप पर ध्यान भी नहीं होती है, इसका ही पता नहीं था, है ना, अभी तो पूरा ध्यान बाहर था स्थूल पर, अभी शरीर पर ध्यान गया, फिर अपने पर ध्यान गया, अपनी और पर ध्यान जा रहा है ना, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हुआ है, अपनी योग्यता को विकसित कर रहे हैं अपन, तो जब इतनी सूक्ष्मता हमारी विकसित हो जाएगी कि हम जो चैतन्य इकाई है उसके रूप को भी देख सकते हैं, तब देखेंगे, अभी क्रिया को तो देख सकते हैं, इतनी सूक्ष्मता तो हो गई और इतने से ही अपने को काफी आराम मिल रहा है जी भैया। तो पहले काम को तो सुनिश्चित कर लें। बहुत बढ़िया, ठीक बात है, जितना दिख रहा है कम से कम उतना तो एक्सेप्ट करें, हम उस पर क्यों शंका करें, बिल्कुल ठीक बात। इसलिए हम लोग तो देखिए ये बहुत बड़े क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि प्रोसेस है जिससे अपने में परिमार्जन का काम शुरू हो सकता है, तो कर लें उसको।
देखिए क्या है, अस्तित्व में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो सूचना के रूप में चीजों को ले लेना एक बात है ना, और सीधा सीधा देख लेना एक बात है, और ये जो देखना है ना, इसकी खूबी है कि जब आप देखते हैं तो आप वो हो जाते हैं, और जब आप वो हो जाते हैं तो उससे आगे देखने की क्षमता आप में विकसित होगी। ये प्रोसेस है, चलता है, समझे ना। तो आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आगे देखने की क्षमता बनती है। आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे और विचार के लेवल पर ही चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो विचार से जो सूक्ष्म चीजें वो दिखती नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कि टू नो एंड टू बी, ये एक ही चीज है। जब तक हम उस सूक्ष्मता के जगह पर जीने नहीं जाते हैं तब तक हम सूक्ष्मता को देख नहीं पाते। तो हमको ये ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। और जब हम पूरे सस्तित्व को जान लेते हैं तो हम सस्तित्व हो जाते हैं। या हम सस्तित्व हो जाते हैं तो सस्तित्व को जान लेते हैं, ऐसा है। तो जानना और होना, जी भैया बहुत बढ़िया, और मेरे पूरी संतुष्टि के स्तर तक आपने उत्तर दिया, आपके प्रति आभार, प्रणाम। जी धन्यवाद जी भैया, नमस्ते सभी को। बहुत ही मस्त चर्चा चल रही है, थोड़ा सा मतलब जो कुमार भैया ने, शर्मिला दीदी ने बताया उससे हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, ऐसा गणेश भैया जी से लग रहा है। भैया जी अभी अभी आपने ये दीदी को ये बताया कि अपने आप में उदारता लानी चाहिए, जी भैया, तो मैं थोड़ा यही टॉपिक पे डेली मनन कर रहा हूँ। वैल्यूज जो है तो अपना जो है धीरता, वीरता और उदारता, सेकंड में आता है, पहले चार सुख संतोष वाले, फिर ये छह दस, फिर 18 आपने शिष्ट वैल्यू दोनों मिलके, और 2 यूटिलिटी आर्टिस्टिक, ऐसे 30 वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं। तो भैया उदारता लाने के पहले हमको कुछ देखना पड़ेगा ना भैया, थोड़ा उदारता पे थोड़ा बात करेंगे प्लीज। मैंने तो उदारता के संदर्भ में इतना इंगित किया कि जब हम चीजों को समझते हैं ना, देखते हैं और समझते हैं, तो उसका प्रोसेस को भी समझ पाते हैं, और जब प्रोसेस को समझते हैं तो उसमें पता चलता है कि समय लगता ही है जी। तो समय लगता है, इसलिए समय लगेगा, इतना हमको दिखाई पड़ना चाहिए। ये क्या होता है कि हम ठीक से चीजों को देख नहीं पाते, उसके प्रोसेस को समझ नहीं पाते, उसमें समय लगता है, ये नहीं दिखता है ना। तो हम अपने लिए कई बार हड़बड़ी करते हैं और दूसरों के लिए हड़बड़ी करते हैं जी। जी बिल्कुल है ना। तो जैसे संस्कार हैं, तो इतने शरीर यात्राओं में इतने संस्कार हमने इकट्ठे किए हैं, और उसमें बहुत सारा का तो हमको होश भी नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है, तो उनको हमने देखा नहीं है, उस पर काम नहीं किया, उसका मूल्यांकन नहीं किया, उसका परिमार्जन नहीं हुआ है, और वो बैठा हुआ है अंदर। जब भी उसके अनुकूल कोई परिस्थिति आती है तो संस्कार एक्टिव हो जाता है, और उसके आधार पर हमारा रिएक्शन या रिस्पॉन्स आ जाता है जी। हमारे साथ भी हो रहा है, दूसरे के साथ भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम ना तो अपने लिए देख पाते हैं ना दूसरे के लिए देख पाते हैं। अभी दोनों के लिए देख पाएंगे तो हम अपने प्रति भी उदार होंगे। उदार होने का मतलब ये कि भाई ये समय लगता है तो हम समय देंगे, दूसरे के प्रति भी उदार होंगे, वो समय लगता है तो दूसरे के लिए भी समय देंगे। अभी कई बार क्या होता है कि हम तो अपने लिए समय दे देते हैं, दूसरे के लिए समय देते नहीं,
दूसरे के बारे शंका करने लगते हैं। जी भैया, ऐसे प्रश्न आए थे उसी के संदर्भ में मैंने कहा जी। दूसरा बदमाश आदमी है, अपने पर काम नहीं कर रहा है, बात तो कर रहा है लेकिन कर नहीं रहा है काम, ऐसा कहने के बदले ये दिखे कि भाई ये अपने पर काम कर नहीं पा रहा है, या जितना काम कर रहा है वो अपने संस्कारों को देख पाने और मूल्यांकन करके उससे परिमार्जन होने की जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये हम कहेंगे जी। क्योंकि तो अपने वाले तो यही कहते हैं हम, जब हम नहीं कर पाते हैं तो जी। ठीक है कि नहीं? जी भैया बिल्कुल। तो मेरा ये अभी जानना हो रहा है धीरे धीरे कि पहले हम अपने आप में धीरता लाए, पहली स्टेप, उसके बाद हम वीरता लाए, मतलब पहले हम सुख समाधान में आ जाए, फिर वीरता में मतलब हम दूसरों के लिए तत्पर हो जाए, और जो तीसरी स्टेप आप बता रहे वो है कि दूसरों को मदद करने के पहले हमें अपना सब कुछ ओके करना है, उसके बाद अगर हम करते हैं तो उसे उदारता कहा जाना चाहिए। जी भैया क्या मैं सही हूँ? अभी मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, ये तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन आपने रखा। जी 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 प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हम दूसरे का सहयोग करने जा रहे हैं तो जैसा हमको समय लगता है उसको भी समय लगेगा, इतना तो स्वीकार के चले। बिल्कुल, हम अपने लिए तो समय देने को तैयार रहते हैं, दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम अपने पर काम करें जी, दूसरे पर का भी सहयोग करें जी। अपने में काम करने में समय लगता है ये हमको स्पष्ट रहे, दूसरे को भी काम करने में समय लगेगा ये स्पष्ट रहे, तो हम अपने को भी समय देते हैं, दूसरे को भी समय देते हैं, हम कोई शंका से नहीं शुरू करते। जी 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 भैया, जी जी नमस्ते, बहुत बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, हम आगे भी ऐसा ही सुनते रहेंगे जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को। जी जी, तो ऐसा नहीं कि जब तक हम पूरे नहीं हो गए तब तक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम अपने को भी ठीक करने के लिए काम करेंगे, दूसरे का भी ठीक होने में सहयोग करेंगे, इस बीच में हमको भी टाइम लगेगा, उसको भी टाइम लगेगा, इसको स्वीकारे रहेंगे, तो वो उदारता के इस अर्थ में हम उदारता की बात कर रहे थे, तो धीरता पर भी काम करेंगे, वीरता पर भी काम करेंगे, उदारता पर भी काम करेंगे, तीनों पे काम करेंगे जी। साइमल्टेनियसली आपका कहना है कि जैसा जैसा समय आता है उस हिसाब से तीनों प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं, बराबर है भैया? जी 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 जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते भैया। जी धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते गणेश जी। नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया जैसे ये चार ऑर्डर है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, देन मटेरियल ऑर्डर, इन सब का एक दूसरे का लेन देन है, तो और हम जो ह्यूमन ऑर्डर है तो उसका वैसे तो किसी के साथ ज्यादा कुछ लेन देन नहीं है, पर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे हम उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो हमारे होने का क्या प्रयोजन है, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा प्रयोजन क्या है फिर, ये इनका तो प्रयोजन मैं देख पा रही हूँ एनिमल, प्लांट एंड मटेरियल ऑर्डर का, पर हमारे होने का प्रयोजन क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। आपने ये पूरा सेशन अटेंड किया HP3 का? हाँ किया भैया, किया होने वाला, इस पर तो इसी पर बात होती रही है पूरे समय। हाँ थोड़ा, पर मुझे थोड़ा और मुझे ये चाहिए था कि ये कैसे समझे, किसी भी इकाई का प्रयोजन का मतलब है कि उसका क्या भागीदारी है, तो दो भाग है, उसके होने की व्यवस्था क्या है और उसकी व्यवस्था में भागीदारी क्या है। ठीक, तो मनुष्य के संदर्भ, मानव के संदर्भ में देखेंगे तो उसके जो होने की व्यवस्था है वो ये है कि वो ज्ञान पूर्वक व्यवस्था में होता है, इसीलिए उसको ज्ञान अवस्था का इकाई कहा है ना। हाँ यस भैया, ज्ञान पूर्वक व्यवस्था में होता है, तो प्रयोजन अगर देखेंगे तो एक तो यह है कि ज्ञान को सुनिश्चित करना, समझ को सुनिश्चित करना है ना,
और ये उसके जीने का फैलाव पूरे अस्तित्व तक है, तो पूरे अस्तित्व तक की जो समझ है उसको सुनिश्चित करना, उसका ज्ञान सुनिश्चित करना, ये एक प्रयोजन है आदमी का। ठीक है, ठीक। तो ज्ञान पहला है, फिर ज्ञान हो गया तो उसके आधार पर संबंध को पहचानना है ना, और उसका निर्वाह करना। तो ये जो संबंध को पहचानना और निर्वाह करना है, या उसके बारे में जो भी हमारा विचार है, कल्पनाशीलता है, उसको फैलाना, ठीक है ना, इसको समाधान कहा है। हाँ ये सही है, ठीक है। तो ज्ञान होना ये पहला प्रयोजन, ज्ञान के साथ संबंध पूर्वक जीने का कल्पनाशीलता विचार होना, समाधान होना दूसरा प्रयोजन। तो ज्ञान होना, समाधान होना, ठीक है ना, यस। ये दोनों हो जाए तो परस्परता में दूसरे मानव के साथ सही व्यवहार करना, उसको न्याय कहा, ठीक है ना। हाँ यस भैया। और आगे जाएंगे तो पूरी जो प्रकृति है उसके साथ व्यवस्था पूर्वक जीना, ठीक है। हाँ यही मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैं देख रही थी सब, तो ये अभी मीन्स मेरा थोड़ा ये हो गया कि हाँ ये देख नहीं पा रही थी मैं ठीक से, तो ये क्लियर हो गया अभी। ज्ञान सुनिश्चित करना ये प्रयोजन है, मानव का भागीदारी है। समाधान सुनिश्चित करना ये अपना स्वयं में व्यवस्था होना और परस्परता में भी व्यवस्था में जीना है ना, के अर्थ में जरूरी है। फिर व्यवहार करना, सही व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार करना, ये भागीदारी है। और फिर धर्मपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करना, या व्यवस्था में भागीदारी करना पूरी प्रकृति की। तो ये चार प्रयोजन दिखते हैं, अपने में ज्ञान सुनिश्चित करना, परस्परता में जीने के अर्थ में समाधान सुनिश्चित करना, परस्परता में मानव के साथ समाधान जो है न्यायपूर्वक जीना, और पूरी प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीना। ये सब इतनी चार चीजें हैं, व्यवस्था में होने के अर्थ में और व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्थ में, मानव के संदर्भ में देखेंगे तो जी। तो इतना प्रयोजन की बात पूरी एचवी थ्री में होती रही है। समाधान क्या है ये समझ में आ जाए, हमारा सही व्यवहार मानव के साथ क्या है वो समझ में आ जाए, है ना, और पूरी प्रकृति के साथ व्यवस्था क्या है, व्यवस्था में हमको कैसे जीना है ये समझ में आ जाए। ये हम कैसे कि अभी हमारा अस्तित्व है और हमें ये देख पा रही थी कि हमें ज्ञान ये होना चाहिए और उसके लिए हमें उसका समाधान होना चाहिए, और हमें दूसरों के साथ भी उसका कैसे हम समाधान में रह सकते हैं वो देखना है, और अदर बाकी मानव के साथ भी कैसे समाधान में रहना है वो देख पा रही थी। पर ये सब मैं देख पा रही थी इंडिविजुअली, पर ऐसे प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि मेरा प्रयोजन क्या है, फिर मेरे अस्तित्व का प्रयोजन क्या है। तो ये सब चार अभी स्टेजेस एक साथ हमें देखना है, ऐसे ही ना भैया जी। तो ज्ञान को सुनिश्चित करना है एक, समाधान को सुनिश्चित करना है दो, मानव के साथ संबंध पूर्वक जीना है तीन, पूरी प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीना है चार। यस भैया जी, इतना ही करना और क्या करेंगे इससे अधिक। हाँ यस जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद जी, धन्यवाद दीदी। तो समय लगभग हो चुका है, तो आज इस हिंदी सत्र में उपस्थित रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, और गणेश सर भी हमारे साथ में, सर का भी धन्यवाद, और जो साथियों की आज शेयरिंग नहीं, मतलब शेयरिंग थी लेकिन हो नहीं पाई, उनके साथ में बात करके हम उसे भी उनके एबिलिटी के हिसाब से उसे एडजस्ट कर देंगे। तो धन्यवाद सभी का। तो सर आज के लिए हम लोग रुक सकते हैं। जी जी, सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।